हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAIS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लीडर कमांड के बारे में, जो कि हमारी एनोटेशन पैनल में यहाँ पर होती है। जो ये बाकी कमांड्स है दोस्तों, ये मैं पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ। ओके, तो आज हम सीखेंगे लीडर कमांड। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। यहाँ पर टिक मार्क ऑन होना चाहिए और फिर सेव, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपके पास आ जाए ईमेल के थ्रू। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे ऑटोकैड के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारा लीडर, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लीडर का बेसिकली यूज़ किस लिए होता है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर कोई पॉइंट शो करना हमें या कुछ भी मैसेज वगैरह डालना किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, तो हम लीडर का यूज करते हैं दोस्तों। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आगे की तरफ एक एरो बन जाएगी और पीछे टेक्स्ट होता है दोस्तों। तो ये हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन। तो मैं यहाँ पर ये स्पेसिफाई लीडर करता हूँ। जैसे ये विंडो है, ये दोनों विंडो मुझे शो करनी है। यहाँ पर टेक्स्ट लिख के विंडोज और इनके ऊपर हम मल्टी लीडर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका। फिर ये हमसे क्या पूछेगा दोस्तों, स्पेसिफाई लीडर लैंडिंग लोकेशन, यानी कि लीडर कहाँ पे ख़त्म करना है आपको। जैसे यहाँ तक चाहिए मुझे, ओके, तो यहाँ पर क्लिक और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ विंडो एंटर और फिर साइड में क्लिक। तो ये हमारा लीडर बन गया दोस्तों। इसका स्केल बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा था। अब एक एग्जांपल के लिए साथ में डायमेंशन भी ले लेता हूँ एक लाइन की। जैसे मैं यहाँ से इस लाइन तक की डायमेंशन लेता हूँ, तो आप देख रहे हो ये भी बिल्कुल छोटी है स्केल में। तो अब क्या करते हैं, एस्केप की फिर डी स्पेस बार, हम यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल एडिटर खोलेंगे, मॉडिफाई करेंगे और फिट के अंदर जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद हम यहाँ पर 5 एंटर करते हैं। अगर आपका स्केल 5 की वैल्यू से इंक्रीज ना हो तो आप उस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम ओके प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसे आप देख रहे हो सिर्फ डायमेंशन का स्केल इंक्रीज हुआ है, लीडर का सेम SDG है स्केल। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास एक कमांड है MLS, मल्टी लीडर स्टाइल एडिटर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आप कमांड के थ्रू अगर नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अगर ओपन करना चाहते हो इसको, तो उसके लिए हमें एनोटेशन में यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख रहे होगे मल्टी लीडर स्टाइल थर्ड ऑप्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर मॉडिफाई में जाएंगे और फिर लीडर स्ट्रक्चर में दोस्तों स्केल के अंदर जाएंगे। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेसिफाई स्केल पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसका स्केल दे देता हूँ 4। ओके, क्लोज। तो आप देख रहे हो इसका स्केल इंक्रीज हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मल्टी लीडर में दोस्तों यहाँ पर ऐड लीडर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सिलेक्ट ए मल्टी लीडर। जैसे ये मल्टी लीडर हमारा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये दूसरी एरो ड्रा हो रही है इधर, तो हम दूसरी एरो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ये भी विंडोज शो करनी है। ओके, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप की। तो इस तरह से हमारे हम कितने भी मल्टी लीडर ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, अब जैसे इसको सेंटर में करना है, थोड़ा मूव करना है, तो यहाँ से हम मूव भी कर सकते हैं इसको। ओके, और फिर एस्केप की। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, रिमूव लीडर। रिमूव लीडर भी सिंपल है। जैसे यहाँ पर मैं इस लीडर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक और फिर एंटर, तो यहाँ पर ये मल्टी लीडर रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद क्या ऑप्शन है दोस्तों, अलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लीडर और क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे टॉप के लिए कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप TOP, यहाँ पे क्लिक। तो अब जैसे मुझे इन दोनों को अलाइन करना दोस्तों, तो क्या करते हैं हम अलाइन के ऊपर जाएंगे यहाँ पर और फिर सिलेक्ट मल्टी लीडर, ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन बन के आ गई। और उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद पूछेगा सिलेक्ट मल्टी लीडर टू अलाइन टू, यानी कि जिस मल्टी लीडर से हमें अलाइन करना है उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर ये क्लिक और फिर हम ऑर्थो ऑन कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि XY एक्सिस के लॉन्ग अलाइन करते हैं हम हमेशा, तो ऑर्थो ऑन और यहाँ पर ये क्लिक। तो आप देख रहे होगे ये बिल्कुल इसके अलाइन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, कलेक्ट। तो मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, 3 एंटर। ओके, 3 रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया यहाँ पर। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लिक लीडर और फिर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये और फिर R 3,
तो आप जैसे देख रहे हो ऊपर भी स्टाइल एडिटर ओपन हो चुका दोस्तों। तो यहाँ से भी हम कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हैं, जैसे एम टेक्स्ट में मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे कैसे यूज होता है, तो वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर R3 क्लिक, फिर एक और लेटर ले लेता हूँ यहाँ पर क्लिक, और ये क्लिक, और यहाँ पर मैं देता हूँ D6 और फिर ये साइड में क्लिक। तो दोस्तों अब जैसे नेक्स्ट कमांड कौन सी हमारी, कलेक्ट। कलेक्ट बेसिकली क्या करती है, जैसे ये दोनों एक ही सर्कल के ऊपर है, R3 भी इसी के ऊपर है और D6 भी इसी सर्कल के ऊपर है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं दोस्तों। मगर ये कमांड जो हमारा डिफॉल्ट लीडर होता है उसके ऊपर वर्क नहीं करती। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट मल्टी लीडर करता हूँ, एक जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया तो ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा दोस्तों, और एक यहाँ पर कर दिया तो ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे, राइट क्लिक करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कमांड होती है हमारे पास TP, टूल पैलेट्स के लिए। तो यहाँ पर इस टूल पैलेट्स में एंटर करते हैं हम, और यहाँ पर हम जो साइड में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी टैब्स हैं, प्री क्रिएटेड ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों। जैसे आप देख रहे होंगे सिविल में जाएंगे तो यहाँ पर सिविल के ब्लॉक्स वगैरह जो आप यहाँ से पिक करके डायरेक्ट ड्राइंग में इंसर्ट कर सकते हो, इसके बारे में हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम लीडर में दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम लीडर्स में जाते हैं और उसके बाद लीडर सर्कल, और इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड रखें और इसको ड्रैग करेंगे हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर। ओके, और फिर ये सेम एज इट इज लीडर का काम करेगी। तो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन, तो मैं यहाँ पर ये एरो हेड लोकेशन ये दे देता हूँ, और उसके बाद लैंडिंग लोकेशन ये दे देता हूँ इसकी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ R3। ओके, ठीक है, तो आप देख रहे होगे R3 जो है इस सर्कल में लिखा है। तो अब दोबारा एक और लीडर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और स्पेसिफाई पॉइंट ये दे देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद लैंडिंग लोकेशन ये, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ D6। ओके, तो आप देख रहे होगे मैंने दो लीडर एज इट इज क्रिएट कर दिए, जैसे मैंने नॉर्मल लीडर से किए थे दोस्तों। अब लेते हैं कलेक्ट कमांड। अब ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट मल्टी लीडर, जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एक, तो आप देख रहे होगे ये ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है, और उसके बाद ये, तो ये भी सिलेक्ट हो गया हमारा। अब क्या करते हैं दोस्तों, राइट क्लिक, और उसके बाद ये लोकेशन पूछेगा नई लोकेशन, जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख रहे होगे इसने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके, और इसी तरह से हम जो मल्टी लीडर है ये बॉक्स में भी ले सकते हैं, अगर ट्रायंगल में चाहिए ट्रायंगल में भी ले सकते हैं, जैसे ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पर मैं, और फिर एक मल्टी लीडर जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, और उसके बाद लैंडिंग लोकेशन मैं यहाँ पर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जैसे R3। ओके, तो आप देख रहे होगे इसकी शेप ट्रायंगल आ गई दोस्तों। तो इस टूल पैलेट्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, जिसकी शॉर्टकट कमांड क्या थी दोस्तों, TP। ओके, तो इस तरह से हम मल्टी लीडर कमांड का यूज करते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ के ऊपर लाइक बटन जरूर दबाएं और उन्हें शेयर कीजिए।